तो मैंने बैटरी रिक्शा कर लिया है और मैं अब जा रहा हूँ तुलसी घाट के लिए, जहाँ पर बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा बैठ करके, काफ़ी समय वहाँ बिताया। तो आइए हम आपको तुलसी घाट दिखाते हैं। घाट घाट घूमते मछेरे, मीन चरा रहे नारी गहरे। फाइनली हम आ चुके हैं तुलसी घाट पर, जहाँ बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। तो आइए पूरा हम आपको दिखाते हैं, आइएगा। अद्भुत शांति है, आनंद आ गया इस घाट पर। तमाम घाटों पर तमाम भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ एकदम बहुत ही मन को सुकून मिला है, बहुत शांति मिली है। क्या वृक्ष है पीपल का, आप देख रहे हैं, और पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ शिवलिंग भी है। और ये गंगा देखिए, गंगा में नौकाएँ चलती हैं। सामने असी घाट दिखाई दे रहा है। तो हमारा अगला पड़ाव है पहलवान लस्सी, जो कि लंका एरिया में पड़ता है और बहुत पुरानी दुकान है। कई ब्लॉग्स में, कई चैनल पर उसकी बड़ी तारीफ सुनी है। तो चल करके देखते हैं, चक्कर के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है स्वाद। और हमारा बैटरी रिक्शा जिंदाबाद, हम चल रहे हैं बनारस की सड़कों पर। हम पहुंच चुके हैं पहलवान लस्सी पर, जो कि बहुत पुरानी दुकान है। और यहाँ तीन चार बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग तरह के पहलवान लस्सी। उधर पीछे भी एक पहलवान लस्सी दिखाई दे रहा है। तो इनसे पता करेंगे कि भाइयों का चक्कर है, असली लकड़ी का चक्कर है, क्या है। हाँ जी, तीन चार बोर्ड कैसे लगे हुए पहलवान लस्सी के? पहलवान लस्सी बहुत पहले मैं दादाजी स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे क्या होता है कि कहीं आप जो है किसी को नहीं जानते, कोई पंडित जी है तो कोई पहलवान है, तो भाई पहलवान जी करके ऐसे नाम पड़ा। उसके बाद फैमिली डिवाइड होने पर सब परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, भाइयों की हैं। तो ये कितनी पुरानी दुकान है? 100 साल। 100 साल हो चुके हैं। हम तीसरी जनरेशन खड़ी है, तीसरी पीढ़ी। चलिए, तो आप बनाइए लस्सी। और इन्होंने ये रबड़ी डाली है इसके ऊपर, मलाई के बाद रबड़ी। रबड़ी शायद हम पहली बार देख रहे हैं लस्सी के अंदर। और ये देखिएगा, इसमें इन्होंने पिस्ता भी डाला हुआ है, रबड़ी भी है और दही, केसर, केसर जल पड़ा हुआ है। और पी के देखते हैं कैसी है, फिर बताते हैं। बहुत ही कमाल, और आज के ज़माने में शुद्ध दही मिल जाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल घर जैसे दही का टेस्ट भी है, बहुत अच्छी है। आप बनारस कभी आएँ तो इधर ज़रूर आइएगा। और ये सुबह कितने बजे मिल जाती है? सुबह 7 बजे और शाम को 12 बजे। रात को 12 बजे तक यहाँ लस्सी मिलती है, तो लस्सी का आनंद लीजिएगा। Yeah.
बहुत ही पुरानी चाची की कचौड़ी है और आवाज़ नहीं आ रही होगी, शोर बहुत हो रहा है, तो वॉइस ओवर करेंगे। बनारस में आकर के अगर पान नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो बनारसी पान की ये बहुत पुरानी दुकान, ये सब तांबूल भंडार, इस पर हम पहुँच चुके हैं और ये चाची की कचौड़ी, पहलवान लस्सी, ये एक ही कोने पर है। यहाँ आइएगा और देखते हैं इनका पान खा कर के कैसा लगता है, चलिएगा। ये मैंने अपने लिए मीठा पान बनवाया है और देखते हैं क्या अलग स्वाद है। बहुत ही कमाल है, मुंह में डालते ही पान घुल रहा है, ये अपनी विशेषता है इनकी। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी बाबू जी, 60 वर्ष पुरानी दुकान है। 60 वर्ष पुरानी जी, जी ने स्थापित किया था जी, और फिर हम लोग उन्हीं के साथ जो है, अच्छा जो है वो पिताजी की फोटो लगी हुई है। अच्छा, तो यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, मोदी जी तक यहाँ पर आए हुए हैं सर, और तमाम यूट्यूबर्स और चैनल्स पे आपकी दुकान का जिक्र मिलता है। तो मैंने भी आपका पान खाया, बहुत ही बढ़िया है, कमाल है, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आप और आगे आपका ये बरसों बरस पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहे, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।